हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम 4 नवंबर को है या जो बच्चा जनवरी में पेपर देने जा रहा है वो ओएमआर को कैसे भरे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि वो एग्जाम हॉल में जाए तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है, और इसके साथ साथ बच्चा इस बात को लेकर भी परेशान है कि वो एग्जाम सेंटर पे या एग्जाम के दौरान किस पेन का यूज करे। तो आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाला जो एग्जाम है 4 नवंबर को या जो हमारे स्टूडेंट जनवरी में पेपर देने जा रहे हैं या जो फ्यूचर में देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप इस वीडियो में मात्र 5 से 6 मिनट देखिए, ठीक है, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपको तक पहुँच सके। देखेंगे कैसे हम लोगों को ओएमआर सीट भरना है, क्योंकि 4 नवंबर को आप सभी का पेपर है, यानी जो भी हमारे स्टूडेंट जो नवोदय विद्यालय का फॉर्म अप्लाई किए हैं उनका 4 नवंबर को पेपर है। और अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जाने कि कैसे हमें क्या क्या चीजें फिल करनी है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में बहुत सारी बातों को कवर करेंगे। पहला बात करेंगे ओएमआर को कैसे भरे, दूसरी चीज हम लोग कौन सी पेन यूज करें, क्योंकि बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है कि हम लोग कौन सी पेन लेकर जाए, और डॉक्यूमेंट्स हमें एग्जाम देने के लिए हमें क्या क्या लेकर जाना है, इन सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें ओएमआर कैसे भरे। सबसे पहले बच्चों, अगर आप पेपर देने जाओगे तो आपका एडमिट कार्ड आपके साथ रहना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना एडमिट कार्ड साथ रखना है, प्लस आपका आधार कार्ड रखना है, जो आपका एकदम जो आपने डीओबी अप्लाई किया है इस फॉर्म भरते समय वही डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक पासपोर्ट साइज का क्या होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए, ठीक है। जो आपने ये फोटो जो अप्लाई की है वाली जो फोटो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया है वो आपके पास वो फोटो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स की बातें हो गई। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, हमारा एडमिट कार्ड चाहिए, हमारा आधार कार्ड चाहिए, और हमें एक पासपोर्ट साइज की क्या चाहिए, फोटो चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं मांगा जाएगा आपसे, ठीक है। इन सारी बस ये तीन चीजें आपको लेकर जाना है एग्जाम सेंटर पे। दूसरी बात करें अगर हम लोग पेन की, पेन आपको कौन सी पेन लेकर जानी है, कोई भी डॉट पेन ले जानी है, वो भी ज्यादातर प्रीफर करना है कि ब्लैक लेकर जाए, ठीक ना। अगर कोई स्टूडेंट अगर गलती से ब्लू पेन भी लेकर चला जाता है, लेकिन हमें क्या कोशिश करना है कि ब्लैक पेन ही लेकर जाए, क्योंकि ब्लैक पेन डॉट पेन क्या होती है, बहुत ज्यादा प्रिफरेबल होती है और अच्छी होती है, ठीक ना। डॉट पेन समझ सकते हो, जेल पेन नहीं ले जा रहा है, जेल पेन यानी जो बहुत ज्यादा गाड़ी चलती है वैसे नहीं ले जाना है, ठीक ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं ओएमआर को कैसे भरे। सबसे पहले अगर आप पेपर देने जाते हैं तो आपके पास क्या होता है, ये आप तो आप पेपर देने जाते हैं तो आपके पास आपका क्या होता है, एडमिट कार्ड होता है, ठीक है। आपको सारी जो भी डिटेल्स है ओएमआर शीट पे आपको आपके एडमिट कार्ड पे दिया रहता है, उसी से भरनी है। सबसे पहले हम लोग जैसे ही पेपर मिलता है, हम लोग जैसे पेपर खोलते हैं तो हमारा ओएमआर का जो फ्रंट पेज होता है उस पर कुछ ऐसी चीजें रहती है, ठीक ना। ओएमआर जो रहता है, ठीक ना, उसमें हमारा ऐसा रहता है, क्या रहता है, पहला अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर भरना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं तो वो गलती से रजिस्ट्रेशन नंबर भर देते हैं, जो क्या है, गलत होता है। आपको अपना रोल नंबर ये देखना है, रोल नंबर के देख सकते हैं कितना डिजिट है, 2 2 4 6 7 7 डिजिट है, और आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। तो कभी भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं जल्दीबाजी में वो क्या करते हैं ऊपर वाले अंक को ही भरने लगते हैं जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो आपको इसको नहीं भरना है रोल नंबर, ये चीजें हैं जो आपको यहाँ भरनी है। फिर आपका अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में यहाँ पे, फिर आपको यहाँ फादर का नाम लिखना है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको कैसे ओएमआर को बबल करने हैं, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं कि जो ओएमआर सीट होती है उस पर हम लोगों को कैसे भरेंगे, कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ओएमआर को कैसे भरना है, ठीक ना। ओएमआर का हमने फ्रंट भर लिया, और ये हमारे पास जो एक्चुअल सीट है जिसपे हमें एंसर को भी फिल करना है, और हमारा जो भी पर्सनल डिटेल है जो एडमिट कार्ड के हिसाब से उसको भरना है, हम लोग देखते हैं, ठीक ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा साइज कर लेते हैं, बाद में इसको हम लोग क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक ना। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, ये हमारा मेन पेज होगा, हमारा ओएमआर का जो होगा ये मेन पेज होगा जिसपे हमें बिल्कुल ही गलती नहीं करनी है। सबसे पहले हमें क्या बोला है, यहाँ पे आपका रोल नंबर भरना है। रोल नंबर पे भरते समय हमें क्या करना है, ऊपर वाले जो भी बॉक्स दिए गए हैं उसमें हमें क्या करना है, अपने अंक को भरना है जो भी है। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है हमारा इस बच्चे का जो रोल नंबर है वो है 2, उसके बाद क्या है 8, उसके बाद क्या है 9, उसके बाद 6 7 1 0। अब देखो 2 जहां भी है ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है,
इस टू को हमें क्या कर देना है, बबल कर देना है। उसके बाद हमें एट, एट कहां पे है, एट यहां पे है, तो एट को हमें यहां क्या कर देना है, बबल कर देना है। नाइन कहां पे है, सबसे नीचे है, तो नाइन को क्या कर देना है, यहां बबल कर देना है। उसके बाद देखो सिक्स कहां है, तो आपका जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स को ऐसे बबल कर देना है। उसके बाद देखो वन है आपका, तो वन यहां पे है, वन को बबल कर दो। इसके बाद भी वन है, वन को यही बबल कर दो। फिर जीरो है तो जीरो यहां बबल कर दो, ठीक ना। ये आपका क्या हो गया, रोल नंबर हो गया। उसके बाद आपको बोला गया पुस्तिका नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, क्वेश्चन पेपर नंबर। जो क्वेश्चन पेपर नंबर होगा, जब आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें वो मेंशन होता है, आपको वहां से देख के जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा उससे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे फिल कर देना है। और जैसे हमने यहाँ पे रोल नंबर को नीचे भरा, वैसे आपको क्या करना है, ये भी चीजें भर देनी है, ठीक ना। ये कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट है उसको भरना है, ठीक ना। यहाँ पे इन्होंने टू बी फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर, यानी जो आपका इन्वेस्टिगेटर होगा, यानी जो आपके साथ आपके एग्जाम हॉल में जो गाइडिंग कर रहा होगा, वो आपका क्या करेगा, ये पार्ट फिलअप करेगा, ठीक ना। या कभी कभी क्या होता है कि वो तुम्हें गाइड करता है, बताता है कि आपको कैसे भरना है, तो आपको क्या करना है उसके हिसाब उनके हिसाब से भी निर्देशानुसार आपको क्या करना है, भरना है। लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही होती है कि वो लोग वहां पे खुद भरते हैं, ठीक है। तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, बस आपको पहले इंस्ट्रक्शन बढ़िया से पढ़नी है, इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है उसके हिसाब से बस करनी है, भरनी है। उसके बाद देखो बात आती है कि हमारा एमआर फिल कर लिया, हम लोग क्वेश्चन करने को क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते समय आपको हरदम ध्यान देना है कि आपके जो भी ये सेक्शन है, वन है, सेक्शन फर्स्ट करोगे उसमें 40 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के। तो आप देखो ये लाइन बाई लाइन ये कितने दिए हैं, 20 दे दिए हैं, और फिर यहाँ से ये लाइन बाई लाइन आपके 20 दे दिए हैं, 40। कभी भी ये नहीं कि यहाँ से पांच किए तो इसमें नहीं आना, नंबरिंग देखना कहाँ पे है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किया, फर्स्ट का फोर ऑप्शन, मान लो ऑप्शन डी सही है, तो आपको डी को कलर करना है, ये ना कि बी और सी को। डबल अगर आप बबल कर देते हैं तो आपका पूरा पूरा क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। जैसे चौथे को मान लेते हैं बी सही है, तो आपको चौथे का अच्छे से बबल कर देना है। अब बबल करते हुए ये ध्यान रखना है कि आसपास का जो भी हो उससे टच नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और फाइनल अगर आप लोग देखो यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इधर मांगता है, ठीक ना, तो यहाँ पर आपको क्या कर देनी है, साइन कर देनी है जो भी हो, ठीक ना। और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, ठीक ना। इन सारी बातों को आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से पेपर देना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक ना। जो होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक। अब देखो ये जो इन्वेस्टिगेटर का जो भरना था, इसमें भी आपको देख सकते हैं क्या क्या भरना है। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोड यहाँ पे दिया गया है, ब्लॉक नंबर दिया गया है, सेंटर कोड यहाँ पे, ठीक ना। ये सारी चीजें आपको एग्जाम हॉल पे, एग्जाम सेंटर पे आपको क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ठीक ना। ये जो भी चीज है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, बहुत ध्यान रखनी है, ठीक ना। और एग्जाम में बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत अच्छे से देना है, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।